तो चलिए नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और इस वक्त हम स्टैंडर्ड 3 का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर देख रहे हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का ये पेपर आपके सामने है, जो क्वेश्चन पेपर भी आप देख पाएंगे और साथ ही साथ फौरन बिना वक्त गवाए आपको मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। मगर इन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, इस चैनल पर पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट और यूनिट टेस्ट को लेकर सारे सॉल्यूशन सबसे पहले रखे जा रहे हैं और सॉल्यूशंस भी ऐसे है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो अब आपके सामने क्वेश्चन 1 और उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। सो इन अ फर्स्ट क्वेश्चन जिसका वेटेज 5 मार्क्स है, फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमको 5 ऑप्शन दिए यहां पर, बिगेस्ट, ह्यूज, रॉसबेड, सैड एंड डक। तो हम उसके आंसर यहां पर रखते हैं, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड में हमको दिया जुपिटर इज द डैश प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम, तो हम वहां पर बिगेस्ट ले लेंगे। द बॉय वॉन्ट टू बी अ डक, मिस्टर वेल थॉट द काउ वॉज ह्यूज एंड द बटरफ्लाई लुक्ड सैड इन अ सोनूज हैंड। तो ये आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, आपने देख ली है फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, बस यही 5 फिल इन द ब्लैंक्स जिसके आपको 5 मार्क्स मिल जाने हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, बट दिस टाइम यू हैव टू करेक्ट द प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको प्रोनाउंस चूज करना है यहां पर, और वो प्रोनाउंस हमको दिए गए यहां पर, जैसे ही, इट, दे, ही, मैन, हिज। तो ये सारे प्रोनाउन को लेकर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। जैसे पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सोनू सुअर्ड बटरफ्लाई इन हीज हैंड, तो पहले हीज ले लेंगे। सेकंड जो है गार्डन, उसमें हम हीज गार्डन, दूसरे में हम ही ले लेंगे। थर्ड जो है उसमें इट आ जाएगा, द बटरफ्लाई फ्लू अवे, इट वॉज अफ्रेड ऑफ सोनू, सो थर्ड में हम इट ले लेंगे। फोर्थ में हम ही मैच आई एम हीम ले लेंगे, और फिफ्थ में हम दे ले लेंगे। अगेन वापस इसकी सीरीज में बता दूं, 5 मार्क का वेटेज है, आप रिस्क ना ले बिल्कुल। हीज, ही, इट, हीम और दे। इसका करेक्ट ऑर्डर है हीज, ही, इट, हीम और दे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द फेमिलियर वर्ड्स, लोटस, फ्लू, पोंड, सैंड एंड डाउन। ये सारे वर्ड को हमको टेबल में फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है ये देख लीजिए आपके सामने पूरा, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। पहले जो है यहां पर डाउन बन रहा है, ऐसे डाउन 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 डाउन, पोंड 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 पोंड, लोटस लोटस लोटस, सेट 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 सेट, फाइल फाइल, फ्लू 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 फ्लू। चलिए अब हमको एक चित्र दिया है, ये छोटा सा बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है यहाँ पे, और इसके लिए हमको फिल इन द ब्लैंक्स में देखो ना कितनी आसान फिल इन द ब्लैंक है। थर्ड के लिए द बॉय इज क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग अप, अप आ जाएगा यहां पर अप। बुक्स है टेबल के ऊपर है, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, क्या ले लेंगे, द पिक्चर देख लेते, द बॉय इज बिहाइंड द डोर, जो लड़का है वो दरवाजे के पीछे, द बॉय इज बिहाइंड द डोर। द काव इज अंडर नियर, वर्ड बच रहा, द काव इज नियर द ट्री, तो यहां पर हम नियर ले लेंगे। और इसके बाद
राइट द फाइव सेंटेंस अबाउट बटरफ्लाई। तो ये देख लीजिए बटरफ्लाई, आपको ये बटरफ्लाई के ऊपर फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं। इस बटरफ्लाई के वी हैव टू राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट बटरफ्लाई, तो वो मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइव लाइंस ऑन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पर पांच वाक्य हमको लिखने हैं। नंबर वन, द बटरफ्लाई इज अ स्मॉल इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई। वापस बोल रहा हूं, द बटरफ्लाई इज अ स्मॉल इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो एक छोटा सा जंतु है जो उड़ सकता है। इट हैज टू विंग्स, इट हैज टू विंग्स, अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स। इसकी बॉडी के तीन हिस्से है, हेड, बॉडी एंड टेल। इट हैज टू एंटेनास एंड सिक्स लेग्स, इट हैज टू एंटेनास एंड सिक्स लेग्स। The butterfly is one of the most beautiful insect in the world. The butterfly is one of the most beautiful insect in the world. The butterfly eats the nectar of flowers. The butterfly eats the nectar of flowers. और यहां पर final इसकी sentence है, their lifespan is about 1 to 2 weeks. सिर्फ इनकी जिंदगी जो है वो 1 से 2 week की होती है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो रहा है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।